कुछ ठीक हो गया था हमारे बीच। मुझे लगा कि शायद ये इंसान बदल गया है। कितना मुश्किल वक्त मैंने सादगी के साथ गुजारा है। पागल थी मैं, मैंने उसका भरोसा कर लिया, उसे मोहब्बत कर बैठी। आयशा छाप, आयशा प्लीज ऐसे रो तो मत। मारो कैसे ना रो, जिन लड़कियों की इन जैसी माए होती है ना, उनके नसीब में बस रोना लिखा होता है, वो सारी जिंदगी रोती है। कितनी तजलील हुई मेरी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं क्या महसूस कर रही हूं। छाप आयशा, तुमने तो बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया है, तुम्हें पता है ना तुम्हारे इस तरह रोने से बेबी पे असर होगा। इसको पैदा ही नहीं होने दूंगी। इस लायक नहीं है कि उस पे भरोसा किया जाए, वो मुझे छोड़ देगा। वो क्या छोड़ेगा, मैं उसे छोड़ दूंगी। इससे बेहतर है मैं खुद को सजा दूं, इस बच्चे को महरूम नहीं होने दूंगी। आयशा 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 बात सुन। देखो तुम्हें जो फैसला लेना है ना वो तुम ले सकती हो, तुम्हारा हक है, मगर अभी इस वक्त प्लीज, इस वक्त तुम कुछ मत सोचो, रिलैक्स करो प्लीज। किसका भरोसा करूं? आयशा क्या हो गया है तुम्हें? नहीं हो तो कोई बेजान चीज, हैसियत है तुम्हारी? क्या अजीब बातें कर रही हो तुम, इसमें तो तुम्हारी खुद कोई गलती भी नहीं है। और तुम ओवर सेंसिटिव। आयशा आयशा मान लो, तुम्हें भी पता था। आयशा फिर से मत शुरू हो जाओ, तुम सिर्फ ओवर रिएक्ट कर रही हो इस वक्त। सबको पता है आयशा। आयशा प्लीज प्लीज बस बस प्लीज, अब लेटो रिलैक्स करो। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है।